कर दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार बच्चे भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। नमस्कार, आपका नाम? आशा कौर। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? मैं जब छोटी सी तब से आ रही हूँ, मैं कोई 6 बरस की थी तब से आ रही हूँ। कितना विश्वास करते हो गुरु जी के? बहुत ज़्यादा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? इसीलिए क्योंकि मेरे पापा थे तो बहुत शराब पीते थे और मेरी मम्मा को बहुत मारते थे, तब से मुझे उन पर बहुत विश्वास है क्योंकि उनकी वजह से मेरे पापा जो आज हैं वो शराब पीना उन्होंने बंद कर दिया है और वो अभी नहीं पीते हैं। अभी हम खुशी खुशी रहते हैं घर पर। आप परिवार में अब खुश खुश रहते हो और आप आश्रम में भी जाते हो? हाँ, हम जाते हैं। आश्रम में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल है? सुरक्षा लड़कियों की बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस दी जाती है। वहाँ पे लड़कियों को कभी भी ऐसा देखा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था 4 साल पहले? नहीं देखा। कभी भी ऐसा नहीं देखा? नहीं देखा। संत जी का स्वभाव कैसा है? बहुत ही अच्छा है और वो बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं, बड़ों से भी बहुत प्यार करते हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये सब उनका बहम है जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अच्छा कुछ भी नहीं है। जब से मैं आ रही हूँ मैं देख रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है क्योंकि जहाँ जब मैं आती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पर बहुत ही शांति है और मन खुश होता है। क्या ज़रूरत है संत जी के समाज को? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत ज़रूरत है संत जी की। और संत जी ने लोगों के लिए क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं और उन्होंने ये काम किए हैं कि वो लोगों की शराब और उनको सहारा देते हैं। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे पिताजी संत डॉक्टर रोहिन जी को जल्दी से जल्दी हमारे पास भेज दें जी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत अच्छा आपने जवाब दिए। दोस्तों, ये उस कहानी है उस परिवार की जिसकी बेटी आपके सामने बता रही है कि इनके परिवार में कैसे एक जो पिता थे वो शराब पीते थे, इनकी मदर को पीटते थे और आज इनके परिवार में शराब नहीं है, आज इनके परिवार में नशा नहीं है, आज इनके इनका कहना है इनके परिवार में खुशियां हैं जिसका कारण है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा। और दूसरी तरफ जो मीडिया में खबरें दिखाई जा रही थी उनका भी ये खुलासा कर रही हैं। इनका कहना है तमाम झूठी खबरें दिखाई गई, ऐसा नहीं है माहौल डेरा सच्चा सौदा आश्रम में। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत